मध्य प्रदेश शासन की सरकार की मंशा अनुसार जिले में गौशाला अब मूर्त रूप में दिखने लगी है। गिरदौड़ा ग्राम जो कि नीमच जिले के नजदीक स्थित है, वहां पर जहां कभी अतिक्रमण हुआ करता था एवं लाल मिट्टी की बंजर जमीन थी, वहां अब बेहतरीन गौशाला बन चुकी है। गांव के एक छोटे से नवयुवक जो कि सरपंच भी है, उन्होंने अथक प्रयास करके गौशाला का निर्माण करवाया है, जिसको लेकर सभी सराहना कर रहे हैं। गौ माता के लिए वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल रही है, जिसमें गौ माता को गर्मी ना लगे इसके लिए पंखे की व्यवस्था पंचायत द्वारा करवाई गई है। गौशाला के आसपास पड़ी हुई बंजर भूमि को जुताई करके वहां पर फव्वारा पद्धति से गायों के लिए हरी घास की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा की गई है। अब ग्राम वासियों ने भागवत कथा का आयोजन भी किया है तथा गांव तथा आसपास के क्षेत्र की कई महिलाएं और पुरुष इस भागवत कथा में धर्म का लाभ ले रहे हैं। ग्राम पंचायत गिरदौड़ा में गौशाला का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ये हमने हमारे शासन अनुसार योजना के अंतर्गत हमें नीमच जिले में दो बनी है, गिरदौड़ा और केलूखड़ा। तो हम अधिकारियों से चर्चा करी और बोला कि भाई हमें दो, हम इच्छा भी रखते हैं बनाने की और हम सेवा भावी से इसका पूर्ण रूप से काम भी करेंगे और आगे इसको संचालन भी करेंगे। तो अधिकारियों से हमने मांग रखी और उन्होंने हमारा सहयोग किया और हमने फिर यहाँ अतिक्रमण हटाया गांव वालों का, और उसके बाद में यहाँ पानी की व्यवस्था की और फिर इसका निर्माण शुरू किया। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अब बस तैयारी है कि भाई हमारी गौशाला शुरू होने वाली है। अब इसको हम यही चाहते हैं कि भव्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में इसको नंबर वन बनाएं और आगे इसी प्रकार की इसी प्रकार से लगन से और दिल से लेके इसको हम आगे लेके जाएं। शुरू में गौशाला दूसरी पंचायत में सेंशन हुई थी, वहाँ कई कारणों से कैंसिल हो गई थी, तो गिरदौड़ा पंचायत में आई। यहाँ पहले मौका देखा गया कि ज़मीन है कि नहीं है, फिर अधिकारी लोग आए, तहसील से आए, जनपद से आए, सबने देखा। तो फिर यहाँ पे देखा कि चौराहे की ज़मीन पड़ी हुई है, तो यहाँ पे सेंशन करी हुई। तो हमने शासन के निर्देशानुसार हमने भी ये ज़मीन भी अतिक्रमण में थी तो अतिक्रमण छुड़वाया, सभी अधिकारी लोग आए तो फिर यहाँ शुरू करा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मोहन नागदा की रिपोर्ट।